नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। देशवासियों को इस हफ्ते के पहले दिन ही महंगाई की जबरदस्त चोट पड़ती दिख रही है। आपको बता दें, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं, जबकि पेट्रोल डीजल के दामों में भी 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें बढ़ने के साथ ही अब बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 769 रुपए हो गई है। इसके पहले ये 719 रुपए का था। ये कीमत आज से ही लागू हो गई है। गैस सिलेंडर की कीमतें बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही हैं। आपको बता दें, इससे पहले दिसंबर में कीमतें बढ़ी थी। इसके बाद 4 फरवरी को सिलेंडर के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया गया था। अब एक बार फिर एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है, यानी कि बीते 14 दिन में गैस सिलेंडर पर 75 रुपए बढ़ गए हैं। वहीं एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने रसोई गैस के दाम बढ़ने को लूट बताया है। सोमवार को राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार को घेरा और लिखा कि ये जनता से लूट है और सिर्फ दो का विकास है। राहुल गांधी ने गैस की बढ़ती कीमतों पर कटाक्ष करते हुए इसे जनता से लूट बताया और लिखा कि ऐसा करके सरकार सिर्फ दो लोगों का विकास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर के साथ साथ एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी हो गई है। पिछले एक हफ्ते से लगातार हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। सोमवार को भी दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 89 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई है। यही नहीं, देश के कई शहरों में पेट्रोल 99 का आंकड़ा पार कर 100 के करीब पहुंचता नजर आ रहा है। कच्चे तेल की कीमतें भी लगातार मजबूत हो रही हैं। हालांकि भारत में पेट्रोलियम की कीमत भारतीय बास्केट में आने वाले जिस कच्चे तेल पर निर्भर करती है, उस पर दाम का असर 20 से 25 दिन बाद दिखता है। आपको बता दें, नई कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल 88.99 रुपए प्रति लीटर और डीजल 79.35 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल की कीमतें 95.46 रुपए प्रति लीटर और डीजल 86.34 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गए। चेन्नई में पेट्रोल 91.19 रुपए प्रति लीटर और डीजल 84.44 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 90.25 रुपए प्रति लीटर हैं, तो डीजल की कीमतें 82.94 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।